वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें से एक प्रॉपर्टी थी आपकी टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। सो टाइम इनवेरिएंट टाइप के सिस्टम्स क्या होते हैं कि अगर कोई सिस्टम है और उसका जो आउटपुट है सेम टाइम का जो भी डिले है, अगर इनपुट में प्रोवाइड किया जाता है तो सेम डिले उसके आउटपुट में भी मिलना आपको चाहिए, तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो टाइम इनवेरिएंट टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था काफ़ी डिटेल में, एग्जांपल्स भी देख लिए थे। फिर हमने सेकेंड टॉपिक जो स्टडी किया वो था हमारा स्टेबल एंड अनस्टेबल टाइप ऑफ सिस्टम्स। सो जो स्टेबिलिटी थी वहाँ पे स्टेबिलिटी की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी सिस्टम है जिसका आउटपुट वाई टी है और इनपुट एक्स टी है, तो अगर इनपुट उसका बाउंडेड है तो आउटपुट भी बाउंडेड आना चाहिए। अगर किसी केस में आप बाउंडेड इनपुट डालते हो लेकिन आपके पास बाउंडेड आउटपुट नहीं आता है, तो इस केस में जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी इजी एंड क्लियर डेफिनेशन कि आप समझ सकते हो उससे कि कोई भी अगर प्रैक्टिकल सिस्टम है ना, जैसे कि आप मान सकते हो कि आपका कंप्यूटर है ना या आपका लैपटॉप, तो अगर आप इसको एक इनपुट देते हो लाइक इलेक्ट्रिसिटी, तो इट हैव टू वर्क प्रॉपरली है ना, विद इन द बाउंड्स। तो कोई भी प्रैक्टिकल डिवाइस जो भी आपके पास मौजूद है घर पे, ठीक है, आप चाहते हो कि वो विद इन द बाउंड्स और प्रैक्टिकली उसका आउटपुट रहे, तो इस टाइप के सिस्टम जो होते हैं स्टेबल होने चाहिए, और द स्टेबल सिस्टम्स आर डिफाइंड बाय बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट टाइप ऑफ कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हम दो जो हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं जैसे कि डीसी और यूनिट स्टेप और कोसाइन फंक्शन, तो कोसाइन और साइन फंक्शन को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द हमारी जो वेव फॉर्म्स होती हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दे आर बेसिकली हमारी साइन वन कोसाइन टाइप की वेवफॉर्म होती है जो इनपुट हम गिव करते हैं किसी भी डिवाइस को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। आज हम चलेंगे और देखेंगे व्हाट विल बी द अवर थर्ड प्रॉपर्टी, तो सॉरी व्हाट विल बी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो हमने टोटल फाइव प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, स्टेटिक डायनेमिक, दूसरी कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, थर्ड हमारी लीनियर एंड नॉन लीनियर टाइप ऑफ सिस्टम। तो वो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वहाँ से इसका पहला नाम आया है लीनियर, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लीनियर सिस्टम। ठीक है, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है टाइम इनवेरियंसी की, वहाँ से इसका सेकेंड पार्ट आया है टाइम इनवेरियंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लीनियर टाइम इनवेरियंट और सिस्टम्स, तो लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम्स जो हैं इनको अब हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है जस्ट टू रिप्रेजेंट अ सिंपल टाइप ऑफ सिस्टम। इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम क्या कहते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा, है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वहाँ पे मैं इसको कवर कर लूँगा साथ साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई तुम यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स टी जो सिग्नल है वो जा रहा है हमारा सिस्टम में, और सिस्टम कैसा सिस्टम है अब वो लीनियर सिस्टम है, साथ में वो है टाइम इनवेरिएंट टाइप का सिस्टम है। ठीक है, और जो उसका आउटपुट है द आउटपुट इज वाई टी। ठीक है, तो इनपुट इज एक्स टी एंड आउटपुट इज वाई टी। अब ये जो एल टी आई सिस्टम है, कोई भी एल टी आई सिस्टम, दे आर डिफाइंड बाय देयर इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, इन टाइम डोमेन एंड ट्रांसफर फंक्शन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो एल टी आई सिस्टम्स है दे आर डिफाइंड बाय देयर इम्पल्स रिस्पॉन्स इन टाइम डोमेन एंड ट्रांसफर फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। कहने का मतलब है कि जब एक्स टी आप इनपुट ले रहे हो, वाई टी आप आउटपुट ले रहे हो, तो ये जो एल टी आई सिस्टम है इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी स्मॉल एच ब्रैकेट में टी, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है,
इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप लिख रहे हो एक्सएस और इस तरफ वाई एस, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है। तो जो एल टी आई सिस्टम होगा वो रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे कैपिटल एच एस फंक्शन से, या फिर कैपिटल एच ओमेगा फंक्शन से, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। सो सबसे पहली बात आती है अब आपके दिमाग में कि व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना, कि जो लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम है, आपने बताया कि लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम का कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा भाई, ठीक है। अब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास ऊपर सिस्टम था, आपको ये सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे इनपुट क्या था एक्स टी, तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आता था वाई टी। अगर अब मैं इनपुट डाल दूँ इसमें डेल्टा टी, कहने का मतलब है अब पहले बार मैं सबसे पहली बार क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा एल टी आई सिस्टम है इसमें इनपुट किसको कर रहा हूँ मैं, डेल्टा फंक्शन को, यानी कि इम्पल्स फंक्शन को मैं इसमें इनपुट कर रहा हूँ। तो जब मैं इम्पल्स फंक्शन को इसमें इनपुट करूँगा तो जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, है ना, आउटपुट में, यहाँ पे मेरे पास वाई टी कुछ रिस्पॉन्स आएगा और उस रिस्पॉन्स को मैं कहता हूँ स्मॉल एच टी। वो इस सिस्टम का क्या होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी भी है कि इफ़ इनपुट टू द एल टी आई सिस्टम, यानी कि ये जो हमारा एल टी आई सिस्टम है इसमें हम क्या इनपुट करते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, तो ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन है रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा टी। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा सिस्टम का, वो होगा हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली चीज़ कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है सिस्टम का। आपको पता है सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स इनपुट और उसका कुछ आउटपुट, और बीच में जो सिस्टम होता है उसके ऊपर कुछ फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब वो फंक्शन, जो भी हम फंक्शन पढ़ते हैं, वो किस तरीके के हो सकते हैं, लीनियर टाइम इनवेरियंट टाइप के। तो हमने ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे पढ़ने हैं जो कि लीनियर होंगे साथ में टाइम इनवेरियंट होंगे, ठीक है। तो उनका जो फंक्शन होगा वो लीनियर होगा साथ में टाइम इनवेरियंट टाइप का होगा। अब लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर इम्पल्स रिस्पॉन्स और ट्रांसफर फंक्शन। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स की डेफिनेशन ये है कि अगर इनपुट आपका डेल्टा टी है तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो स्मॉल एच टी होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब देखते हैं कि वट इज ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। ये हमेशा आपसे पूछी जाएगी, इवन इन आप कहीं इंटरव्यू भी दे रहे होंगे तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर एज्यूम टू बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है एक्स टी से रिप्रेजेंट किया गया है और एल टी आई सिस्टम का आउटपुट वाई टी से रिस्पॉन्स इसको शो किया गया। अब यही जो सिस्टम है अगर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एक्सेस, यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है कैपिटल एक्सेस, और इस तरफ आ जाएगा इसका रिस्पॉन्स कैपिटल वाई एस। तो ये है आपका कैपिटल वाई एस। तो डिवीजन है, रेशियो है कैपिटल वाई एस डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्सेस, यानी कि रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर एज्यूम टू बी जीरो। इन इनिशियल कंडीशंस का क्या मतलब होगा वो भी मैं आपको आगे आगे समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि एच एस जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, किसी भी सिस्टम को गवर्न करता है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को गवर्न करता है। तो जो भी उसका फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है, इट इज़ इक्वल टू वाई एस कैपिटल वाई एस डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स एस विद इनिशियल कंडीशन और इनिशियल रिस्पॉन्स जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है फॉर एल टी आई सिस्टम इनिशियल कंडीशंस आर एज्यूम टू बी जीरो, ठीक है, बिकॉज नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस मेक द सिस्टम नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियरिटी की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, अविनाश और आई थिंक उस दिन अविनाश और गौतम ने क्लास करी थी, तो लीनियरिटी की को जब हम किसी सिस्टम के लिए लीनियरिटी को हम देखते हैं कि भाई ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम उसमें ज़ीरो इनपुट डालते हैं, ठीक है। तो अगर इनपुट ज़ीरो है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट भी अगर ज़ीरो आता है, ठीक है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि सिस्टम लीनियर है हमारा, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन आर एज्यूम टू बी ज़ीरो का मतलब है कि सिस्टम हमारा लीनियर है, ठीक है। अगर इनिशियल कंडीशंस कुछ रहेंगी सिस्टम में तो दैट कैन मेक द सिस्टम
नॉन लीनियर, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये क्लियर है यहाँ तक अभी? ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना? हाँ, ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा एंड रिस्पॉन्स आपका होगा, जो भी रिस्पॉन्स है सिस्टम का वो आपका टाइम डोमेन में होगा। अब आते हैं हम कॉन्वोल्यूशन की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी हमारा सिस्टम है YT, ठीक है, दिस YT जो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, दिस YT इज XT कॉन्वोल्यूशन HT। कहने का मतलब है कि अगर हम YT को लिखना चाहें तो YT इज इक्वल टू XT कॉन्वोल्यूशन HT, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपने, ठीक है? तो अगर आपको YT निकालना है, यानी कि आपको रिस्पॉन्स अगर निकालना है सिस्टम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट को कॉन्वोल्यूट करना पड़ेगा किसके साथ, उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ। क्या करना पड़ेगा, कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब है कॉन्वोल्यूशन, ठीक है? इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो कॉन्वोल्यूशन क्या है, कॉन्वोल्यूशन इज अ लीनियर एंड टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट ऑपरेटर, ठीक है? कॉन्वोल्यूशन नंबर वन लीनियर ऑपरेटर है और टाइम इनवेरिएंट ऑपरेटर है, ठीक है? जैसे इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑपरेटर्स आर लीनियर इन नेचर, ठीक है, तो उसी तरीके से कॉन्वोल्यूशन इज ऑल्सो अ लीनियर इन नेचर, लीनियर ऑपरेटर। और कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, ये स्टार, जहाँ पे भी स्टार से मार्क्ड होगा। तो आप आगे जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है, जितनी भी चीज़ आप सॉल्व करोगे वो इस कॉन्वोल्यूशन की मदद से ही करनी होगी आपको, और इस कॉन्वोल्यूशन को सीखना, इस कॉन्वोल्यूशन को फाइंड आउट करना इज़ द मेजर टास्क, नेक्स्ट मेजर टास्क फॉर यू, ठीक है? जिसके ऊपर हम कई सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एंड वी विल सॉल्व अलॉट मैनी क्वेश्चंस, ठीक है? तो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम बाय कॉन्वॉल्विंग इनपुट विद इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन सिस्टम। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी भी LTI सिस्टम का क्या है, हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है ना, ये हमारा LTI सिस्टम है, इस LTI सिस्टम का अगर मुझे रिस्पॉन्स या आउटपुट फाइंड आउट करना है YT, तो वो क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसके लिए उसके इनपुट को कॉन्वोल्यूट करना पड़ेगा किसके साथ, उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है? तो दिस इज़ वन टेक्निक जिससे हम आउटपुट या हमारा जो रिस्पॉन्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इस कॉन्वोल्यूशन का अर्थ क्या है, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है थ्रू मैथमेटिक्स। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसको हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स से कॉन्वोल्यूट करना है। तो सिंपल सी बात है कि इट इज़ हैविंग अ मैथमेटिकल फंक्शन एज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो हम पूरी टाइम एक्सिस को कवर करते हैं यहाँ पे, और इम्पल्स रिस्पॉन्स को जो कि एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है उसको हम यहाँ पे एक्स टी माइनस टाउ के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसके लिए जो मैथमेटिकल और ग्राफिकल टेक्निक है वो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिलहाल आपको इस डेफिनेशन को याद रखना है कि कॉन्वोल्यूशन YT इज इक्वल टू XT कॉन्वोल्यूशन HT, ठीक है? और उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है, ठीक है? तो वेरी सिंपल है, ये जो HT है आपका, इट इज़ कन्वर्टेड टू H tau यहाँ पे, ठीक है? और ये जो XT है, इट विल बी कन्वर्टेड टू XT माइनस tau और D tau, ठीक है? और इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वेरी सिंपल टू लर्न। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले हम LTI सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि LTI सिस्टम्स की और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो बेसिकली दो प्रॉपर्टी तो LTI सिस्टम अपने पास रखते ही रखते हैं, दैट इज़ एक तो वो लीनियर है, दूसरा क्या है, वो टाइम इनवेरिएंट है। तो लीनियर का मतलब है कि वो एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी को फॉलो करेंगे, टाइम इनवेरिएंट का मतलब है कि अगर इनपुट में कोई डिले आता है तो द सेम डिले मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है? तो दिस इज़ वन थिंग, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? एवरीवन, किसी को कोई डाउट, कल की क्लास में किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं ना।
तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि भाई जो टाइम इनवेरियंट सिस्टम्स है थ्रू बुक, ये बुक का नाम है कि शॉम आउटलाइन ऑन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स सिग्नलिंग सिस्टम्स। तो शॉम्स की जो आउटलाइंस होती हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम पावर सिस्टम, ठीक है, अगर आप केवल इतना भी पढ़ ले तो देन इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि ये बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में होती है, बहुत ही छोटी किताब होती है और इसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि इट इज़ हैविंग ओनली 365 पेजेस जो कि आपको पढ़ने हैं, और उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है यहाँ पे आपका, तो बेसिकली अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स की बात कर रहे थे। एक दूसरा आपका डिस्क्रीट टाइम ऑफ सिस्टम होगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम में हम कॉन्वोल्यूशन को कैसे यूज़ करते हैं या डिस्क्रीट टाइप में हम रिस्पॉन्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम सेपरेटली डिफरेंट क्लासेस में न्यूमेरिकल सॉल्व करके पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू बुक जो आपकी डेफिनेशन है वो ये है कि द इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी ऑफ अ कंटिन्यूस एल टी आई सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच टी है ना, स्मॉल एच टी ऑफ अ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम जो कि एल टी आई सिस्टम है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच टी की जो डेफिनेशन है एच टी के अंदर क्या है, तो वहाँ हम देख रहे हैं एच टी इज़ अ रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स किसके ऊपर है, वो डेल्टा टी, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या है, वो डेल्टा टी। तो कहने का मतलब हो गया एच टी आपकी वाई टी की जगह हो जाएगा और एच टी डेल्टा टी आपका एक्स टी की जगह हो जाएगा, और जो भी फंक्शन आप यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट करते थे पहले वो अब टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ना, तो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि हम हमेशा ऐसे लिखते थे कि एक्स ऑफ टी और वाई टी इज इक्वल टू सम फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ, कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करा करता था अपने सिस्टम्स को, दैट वाई टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टी। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो फंक्शन है, अगर इनपुट आपका क्या है, यहाँ पे इनपुट आपका हो गया डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आपका डेल्टा टी हो गया, ठीक है, इनपुट डेल्टा टी हो गया। तो अगर इनपुट आपका डेल्टा टी हो गया तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, और जो रिस्पॉन्स हो जाता है वो हो जाता है आपका स्मॉल टी, ठीक है। तो एच टी इज इक्वल टू टी जो फंक्शन है वो लगता है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एल टी आई सिस्टम ऑन योर इनपुट डेल्टा टी, ठीक है। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स इन्होंने डेराइव करी हुई है, और यहाँ पे भी आप फार्मूला देख सकते हो कि जो कॉन्वोल्यूशन है, कॉन्वोल्यूशन इज का जो फार्मूला है दैट इज़ वाई टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाओ एच टी माइनस टाओ डी टाओ। तो दोनों तरीके से आप इस फार्मूले को लिख सकते हो। एक फार्मूला आपका यहाँ पे ये फार्मूला है कि एच टाओ मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी माइनस टाओ, एंड सेकंड फार्मूला जो आपको किताब में मिल रहा है वो है कि एक्स टाओ मल्टीप्लाइड बाय एच टी माइनस टाओ, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इस तरीके से काम करती है, ठीक है। इसको हम डिटेल में जब कॉन्वोल्यूशन को पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको प्रॉपर्ली समझा दूंगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो एल टी आई सिस्टम्स के लिए हमें पढ़नी है। उसमें नंबर वन प्रॉपर्टी जो है वो है कंडीशन फॉर एल टी आई सिस्टम टू बी स्टैटिक, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें स्टैटिक चेक करना है। स्टैटिक और डायनेमिक टाइप के सिस्टम होते हैं, तो कौन बताएगा कि व्हाट इज़ अ स्टैटिक टाइप ऑफ सिस्टम? अविनाश? सर स्टैटिक सिस्टम हाँ बोलो गौतम, पोटेंशियल वैल्यू पर डिपेंड करता पूरा बोलो। सिस्टम के पोटेंशियल वैल्यू पर डिपेंड। सिस्टम की प्रेजेंट वैल्यू नहीं, सिस्टम का आउटपुट सिस्टम के इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? सिस्टम के आउटपुट सिस्टम के इनपुट के पोटेंशियल वैल्यू पर डिपेंड। हाँ वेरी गुड, है ना। तो
कोई भी सिस्टम है जिसका आउटपुट सिस्टम की इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे, वो ऐसा सिस्टम हमारा क्या है, स्टैटिक सिस्टम होता है, ठीक है। और डायनेमिक सिस्टम कि अगर कोई सिस्टम है और उसका आउटपुट सिस्टम की पास्ट या फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर जाए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ऐसे सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डायनेमिक टाइप का सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो LTI सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो LTI सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर है, क्योंकि उसमें आप ज़ीरो इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट भी ज़ीरो मिल रहा है, वो एक कंडीशन है चेक करने के लिए, ठीक है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सिस्टम हमारा लीनियर है। देन टाइम इनवेरियंट टाइप का सिस्टम है, यानी कि अगर टाइम का डिले आ रहा है इनपुट में तो सेम टाइम डिले इनपुट का टाइम डिले किस में आ जाएगा, आउटपुट में। अब चेक करना है हमें स्टैटिक, तो स्टैटिक चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन लिखी है कि अगर कोई भी सिस्टम LTI सिस्टम स्टैटिक है तो पहली चीज़ कि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स शुड बी इम्पल्स एट ओरिजिन, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस टी से डिफाइन की गई है, एच टी डिफाइन करता है आपका रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ये रिस्पॉन्स कब मिल रहा है, जब इनपुट क्या है डेल्टा टी, ठीक है। फिर से बैक चलते हैं, यहाँ पे जब इनपुट क्या है डेल्टा टी, तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एच टी, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिन पे चेक करते हैं किसकी वैल्यू, एच टी की, तो एच टी को अगर मैं ओरिजिन पे चेक करूँ तो इट शुड बी अ इम्पल्स, ठीक है, इट शुड बी अ इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई सिस्टम है मेरा इस तरीके से, वाई टी इज इक्वल टू के, के कोफिशेंट है जो कि फंक्शन है, टी से डिफाइन किया गया है, वो मल्टीप्लाई होता है एक्स टी के साथ, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने इस तरीके से पहले रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि वाई टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी, यहाँ पे जो के है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और वो एक्स टी से मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्टली। तो मैं इसको नॉट टाइप ऑफ फंक्शन, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि के डॉट एक्स टी, ठीक है। तो जो फंक्शन है इट इज़ नथिंग बट अ कोफिशेंट और आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है। हो क्या रहा है कि जब आपका इनपुट आप क्या हो गया डेल्टा टी हो गया, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो गया, एच टी हो गया, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर आपका इनपुट हो गया डेल्टा टी, तो रिस्पॉन्स हो जाएगा आपका एच टी, एच टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय डी टी, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कहाँ पे, आपके ओरिजिन पे, ठीक है। तो अगर आप ओरिजिन पे चेक करते हो तो इम्पल्स जो होती है अगर डेल्टा टी से डिफाइंड है तो वो का आपकी ओरिजिन पे होती है हमेशा, और अगर के से मल्टीप्लाइड है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के बराबर, ठीक है। तो यूनिट इम्पल्स अगर होगी तो मैग्नीट्यूड होगा 1, और के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा के, बट जो रिस्पॉन्स होगा एच टी वो किसके बराबर है, के मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो यानी कि एक वैल्यू आएगी आपकी ओरिजिन पे और एच टी को रिप्रेजेंट करेगी, एंड इट इज़ हैविंग अ डेल्टा टी फंक्शन जैसा होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है इम्पल्स की तरह होगा, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो के बराबर होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन है स्टैटिक की कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो भी होगा सिस्टम का, इट मस्ट बी अ इम्पल्स एट ओरिजिन, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में देखें, ट्रांसफर फंक्शन के टर्म्स में देखें, तो यहाँ से हमें पता लगेगा ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर कोई भी सिस्टम है हमारे पास और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन जब हम फाइंड आउट करते हैं और वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी टर्म के, ठीक है, यानी कि एस वाली टर्म्स जो होंगी उसमें अगर नहीं होती है, यहाँ पे आपको लिखा है कि HS जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इट इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट विदाउट डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, स्टैटिक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम मस्ट बी डायनेमिक टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, समझ गए आप। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब डिटेल में आप लोग धीरे धीरे आप जो है थर्ड ईयर में जाने वाले हो तो उसको अब आप पढ़ोगे, ठीक है। और हाउएवर ये जो फिल्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एस डोमेन में है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पढ़ा ही होगा एक बार,
मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हाउएवर और सर्किट थ्योरी में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुमने पढ़ा होगा, नेटवर्क एनालिसिस में, यस है ना। तो वहाँ पे आपको लो पास फिल्टर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो लो पास फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कैपिटल एच एस इज इक्वल टू 1/(s+1)। ठीक है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये डायनेमिक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो लो पास फिल्टर इज़ अ डायनेमिक टाइप ऑफ फंक्शन। और ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ से आप बता सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स एच एस अगर कॉन्स्टेंट है तो वो स्टैटिक है, और अगर कॉन्स्टेंट नहीं है यानी कि उसमें एस वाली टर्म्स आ रही हैं, है ना, तो 1/(s+1) जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो इट इज़ अ डायनेमिक टाइप ऑफ सिस्टम। ऑल्सो यहाँ पे एक और लिया गया है एग्जाम्पल, दैट ऑल पास फिल्टर। तो ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है s-1/(s+1)। यहाँ पे भी s वाली टर्म्स आपको इंपल्स रिस्पॉन्स में दिख रही हैं, दिस इज वाई द सिस्टम इज डायनेमिक। ये आपको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कि हमारी एक प्रॉपर्टी रह गई है, सेकंड प्रॉपर्टी जो होती थी कॉजल नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिस्टम है हमारा LTI सिस्टम, वो कॉजल कब होगा इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉजल LTI, ये बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा है कॉजल LTI। तो कॉजल LTI यानी कि कोई भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कॉजल कब होगा, जब उसका इंपल्स रिस्पॉन्स ज़ीरो होगा और टाइम लेस देन ज़ीरो, है ना। तो क्योंकि सिस्टम में कोई भी इनपुट टाइम लेस देन ज़ीरो पे कोई भी इनपुट नहीं था, तो सिस्टम में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था, कोई भी आउटपुट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और साथ में क्या है, उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है यानी कि जब आप इम्पल्स इनपुट देते हो और उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आपको मिलता है HT, वो भी ज़ीरो होना चाहिए और टाइम लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम शुड बी ज़ीरो फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो। जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो सिस्टम क्या हो जाता है, कॉजल टाइप का सिस्टम हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड नंबर वाला एग्ज़ाम्पल है HT इज इक्वल टू e^(-t+1)UT। ठीक है, ये जो फंक्शन है व्हेन आई ड्रॉ इट, ठीक है, तो UT डिफाइन होता है व्हेन t ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो अगर मैं e^(-t+1) को ड्रॉ करूँ तो इट विल गिव मी अ डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ में इट विल गिव यू अ डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल e^(-t+1)। तो ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है और ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये इसका जो रिस्पॉन्स है HT है, HT कोई भी वैल्यू नहीं रखता व्हेन t लेस देन ज़ीरो, क्योंकि HT इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर t लेस देन ज़ीरो बिकॉज UT इज़ ज़ीरो। तो अगर आप UT को डिफाइन करते हो, UT इज़ ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम t ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे UT की कोई वैल्यू नहीं होगी, UT की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। दिस इज़ वाई कि इम्पल्स रिस्पॉन्स और t लेस देन ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो और सिस्टम हो जाएगा हमारा कॉजल। सेम थिंग अगर इसी ग्राफ को हम इस तरीके से देखें कि ये ग्राफ कहाँ से आ रहा था, सम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर टी लेस देन ज़ीरो देर विल बी सम वैल्यूज़, है ना। तो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। ठीक है, टी लेस देन ज़ीरो पे अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, यहाँ पे नॉन कॉजल टाइप का हो जाता है। ऊपर एक और फंक्शन दिया हुआ है आपको, HT इज इक्वल टू UT+1 - UT-1। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो बहुत आराम से। UT+1 का मतलब है कि एक यूनिट स्टेप फंक्शन जो -1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसमें से हमें घटाना है किसको, UT-1। तो UT-1 का मतलब है कि एक यूनिट स्टेप फंक्शन जो कि 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। जब इस पूरे पोर्शन में से इस पोर्शन को माइनस कर देंगे देन वी विल हैव ओनली दिस पार्ट लेफ्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है -1 से 1 तक हमारे पास एक पार्ट बच जाएगा, जिसमें कि -1 से 0 तक जो भी HT की जो भी वैल्यूज़ होंगी या जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके कारण ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। तो ये समझ गए होंगे तुम कि कॉजैलिटी एंड नॉन कॉजैलिटी यहाँ पे कैसे डिफाइन हो रही है LTI सिस्टम के लिए। ठीक है, वैसे जो कॉजल नॉन कॉजल और एंटी कॉजल सिस्टम होते हैं वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, कॉजल सिस्टम क्या होते थे, बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे, तो व्हाट आर कॉजल सिस्टम्स, आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। हाँ, तो ओनली पास्ट वैल्यूज ऑफ द इनपुट एंड
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट पे डिपेंड करता था हमारा आउटपुट। वो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, जब आप बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और उसी का जो एक्सटेंशन है वो अगर आप LTI सिस्टम पे लगाना चाहते हो तो LTI सिस्टम में आप डायरेक्टली इम्पल्स रिस्पॉन्स को देख करके बता सकते हो कि सिस्टम हमारा कॉजल है या नॉन कॉजल है, वरना आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से आप चेक भी कर सकते हो इनपुट की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज़ को लेकर के आप चेक कर सकते हो कि आउटपुट डिपेंड करता है नहीं करता, वरना आप डायरेक्टली यहाँ से HT को एनालाइज कर सकते हो कि अगर HT 0 हो जाता है फॉर टी लेस देन 0 तो सिस्टम हमारा कॉजल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे है कि स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम, तो लीनियर तो है ये सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट भी है। स्टैटिक डायनेमिक चेक करने के लिए आपको बताया है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को चेक करना है एट ओरिजिन। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स इज़ अ इम्पल्स एट ओरिजिन तो सिस्टम इज स्टैटिक, और उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है HS मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द आपका फ्रीक्वेंसी टर्म, ठीक है। तो इट मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट, तो हो जाएगा स्टैटिक। पॉजल के लिए आपको बताया है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स शुड बी जीरो फॉर टाइम लेस देन 0, तो वो हो जाएगा आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली आप कॉजलिटी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे ये है कि 11 हेलो हेलो यस सर। हाँ, तो जो यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि स्टेबिलिटी है ना, तो कंडीशन है कि LTI सिस्टम के लिए कि वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का हम बात कर रहे हैं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, यानी कि जो भी आप के पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा, कुछ फंक्शन आएगा, वो एक्चुअली में टाइम का कुछ फंक्शन होगा, जैसे कि आपको ऊपर दिखाया मैंने कि इस तरीके का कुछ फंक्शन होगा, है ना, HT इज इक्वल टू UT या HT इज इक्वल टू e−t+1, इस तरीके का कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कुछ फंक्शन है आपके पास और आप उसको इंटीग्रेट करते हो −∞ से ∞ तक उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए, यानी कि लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो तब जाकर के आपका जो सिस्टम है LTI सिस्टम है वो यहाँ पे शो करेगा प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, कि LTI सिस्टम जो भी है हमारा वो स्टेबल कब होगा। वो स्टेबल तब होगा जब उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स इज़ एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल। जो पहली लाइन लिखी है इस पर ध्यान देना है आपको, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम इज़ एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल। तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो इस तरीके से लिखी हुई है, ये आपको अब आगे हर जगह देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, इस तरीके की डेफिनेशन। हाउएवर यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती है, XT आ सकता है कभी, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म जो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम सब बाउंड्री कंडीशंस भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखो कि −∞ से ∞ मॉड HT dt शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्स है सिस्टम का वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट है इम्पल्स रिस्पॉन्स की। यहाँ पे सेकंड लाइन लिखी है, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी सिग्नल, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो एनर्जी सिग्नल की तरह है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि सिस्टम क्या है, स्टेबल है। जैसे कि मैं ऊपर आपको बताऊँ तो ये तीन एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं जिसमें से दो एग्जाम्पल्स नीचे वाले, इन दोनों में से एनर्जी सिग्नल कौन सा है आप बताओगे मेरे को? एनर्जी सिग्नल हाँ सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ये जो HT डिफाइंड बाय 2 है ना, दूसरे नंबर पे HT लिखा हुआ है और उसका ये डायग्राम बना हुआ है, तीसरे नंबर पे जो HT है उसका ये डायग्राम बना हुआ है, इन दोनों सिग्नल्स में से एनर्जी सिग्नल कौन सा है? सर दोनों भी एनर्जी सिग्नल है बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एंड इनफाइनाइट ड्यूरेशन। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन तुम्हें याद है कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन है और डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, ठीक है, लेकिन एक डेफिनेशन और होती है कि अगर कहीं पर भी एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इन्फिनिटी की तरफ है ना, यहाँ पे देख रहे हो कि −∞ जब टाइम हो रहा है तो थर्ड वाले जो प्रॉब्लम में क्या है, इसका जो रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी,
है ना, जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेवर एक्सटेंडेड है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी एट जहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टाइम जाएगा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा टाइम हम कंसिडर करेंगे पास्ट में, तो उस समय इसकी वैल्यू क्या रही होगी सिग्नल की, बहुत ज़्यादा वैल्यू रही होगी, इन्फिनिट वैल्यू रही होगी। तो ये जो थर्ड वाला प्रॉब्लम है ये आपका एनर्जी सिग्नल नहीं है, और ये जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम है ये आपका एनर्जी सिग्नल है। कहने का मतलब है कि ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी डिफाइन किया गया है ई टू द पावर माइनस टी प्लस वन यू टी से, ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अगर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है और ये एक एनर्जी सिग्नल है, ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी सिग्नल स्टेबल होंगे, तो जो सेकेंड वाला है ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक स्टेबल टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो पहला नंबर का प्रॉब्लम है एच टी, ये एनर्जी सिग्नल है कि नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर फिक्स ड्यूरेशन के लिए -1 to 1। हाँ, तो वहाँ पे सबसे पहली डेफिनेशन यही तो थी, हमने पढ़ी थी एनर्जी सिग्नल के लिए, कि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल विद फाइनाइट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे फाइनाइट ड्यूरेशन है ना, -1 से 1 तक ड्यूरेशन है, और जो वैल्यू है वो फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर फाइनाइट ड्यूरेशन है और फाइनाइट एम्पलीट्यूड है तो सिग्नल इज़ एनर्जी सिग्नल। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और स्टार्ट होता है सम फिक्स्ड वैल्यू पे, तो एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपकी एनर्जी सिग्नल के लिए, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही स्टेबल टाइप के रिस्पॉन्स हैं, स्टेबल टाइप के इनपुट, स्टेबल टाइप की इम्पल्स रिस्पॉन्स है। हाउएवर ऊपर वाला नॉन कॉजल है और नीचे वाला कॉजल है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ डिफाइन करनी आनी चाहिए, देख करके पता लग जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, विदाउट रिविजन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी दिमाग में, देर विल बी कन्फ्यूजन, ठीक है। जब आप उसको बार 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 पढ़ोगे देन ओनली यू आर एबल टू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का, ठीक है, अगर पावर सिग्नल है, ठीक है, तो पावर सिग्नल कोई भी पावर सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक टाइप का सिग्नल जो होगा वो पावर सिग्नल हम डिफाइन करते हैं उसको, ठीक है। तो अगर पावर सिग्नल है तो जो भी सिस्टम होगा वो हमारा मार्जिनली स्टेबल होगा हमेशा, ठीक है। और कोई भी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है वो हमारा बीबो अनस्टेबल होता है। कहने का मतलब है अगर सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल है तो सिस्टम हमारा बीबो अनस्टेबिलिटी शो करता है। बीबो स्टेबिलिटी नहीं है, ये बीबो अनस्टेबिलिटी है ना, कि अगर हम बाउंडेड इनपुट डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है हमें आउटपुट बाउंडेड मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक फंक्शन है, इंटीग्रेटर फंक्शन है ना, वाई टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स के डी के, ये आपने हर जगह देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए डिफाइन किया था दैट इट इज़ अ डायनेमिक टाइप ऑफ फंक्शन, क्योंकि इसमें पास्ट वैल्यूज आ जाएंगे इनपुट की। देन कॉजल, हमें पता है कॉजल क्यों होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करता है इनपुट की वैल्यूज़ के। फिर लीनियर है, लीनियर क्यों है, क्योंकि इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स आर लीनियर इन नेचर। टाइम इनवेरियंट है, कल हमने देखा था कि इस फंक्शन को हमने टाइम इनवेरियंट शो किया था। देन ये सिस्टम कैसा है, मार्जिनली स्टेबल टाइप का सिस्टम है, और मार्जिनली स्टेबल ये क्यों है वो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि मार्जिनली स्टेबल, अभी तो बताया आपको मार्जिनली स्टेबल कौन होगा, जो पावर सिग्नल होगा वो क्या होगा, आपका मार्जिनली स्टेबल टाइप का सिस्टम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ क्विक व्यू, ये है आपका रिस्पॉन्स वाई टी, इट इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स के डी के, ठीक है। तो जो आपका, अगर इसको हम टाइम डोमेन में ना लिख करके अब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें, तो वाई एस इज इक्वल टू एक्स एस डिवाइडेड बाई एस। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज जो भी इंटीग्रेशन होता है जब हम उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं उसके ऊपर, तो एस जो है डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। सो वाई एस बाई एक्स एस इज 1/s, और वाई एस बाई एक्स एस का मतलब होता है एच एस, यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया आपका 1/s। सो इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज 1/s, तो इसका मतलब है कि वी आर हैविंग पोल एट एस इज इक्वल टू जीरो, और 1/s को जब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि 1/s किसको रिप्रेजेंट करता है, यूटी फंक्शन को। यूटी फंक्शन क्या है, इस तरीके का फंक्शन है जिसमें कि ड्यूरेशन अब इनफाइनाइट हो गई है, हाउएवर एम्पलीट्यूड इज़ कांस्टेंट। तो जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है
और ड्यूरेशन इन्फाइनाइट है तो पावर सिग्नल आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ थी जब ड्यूरेशन फाइनाइट है और एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है तब आपके पास एनर्जी सिग्नल आएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे ड्यूरेशन इन्फाइनाइट है, हाउएवर एम्पलीट्यूड इज़ फाइनाइट। तो ये पावर सिग्नल हमें शो करता है, और पावर सिग्नल क्या होता है, मार्जिनली अनस्टेबल टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटर फंक्शन है इसके बारे में आप समझ सकते हो कि एक ही क्वेश्चन के लिए आपने 5 तरीके की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी, और 5 तरीके की प्रॉपर्टीज़ में से ये फंक्शन इंटीग्रेशन फंक्शन आपका क्या है आपने इसको यहाँ पे जाना, ठीक है। तो ये डायनेमिक है, दूसरा एक कॉजल है, लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, और मार्जिनली स्टेबल है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है टिल दिस क्लास, ठीक है, तो एक बार आप जो भी क्लास के नोट्स गूगल क्लासरूम में डेली डल रहे हैं, ठीक है, उनको जा करके व्यू करो, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आता है कहीं पर भी तो आप पूछो, ठीक है। यहाँ पे नोट्स आप देख सकते हो कि फ्रॉम द फर्स्ट क्लास नोट्स सब डले हुए हैं, और साथ में जो वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे बने हैं वो वीडियो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। सो इट्स योर ड्यूटी नाउ टू गो थ्रू दीज वीडियोज़ एंड लेक्चर नोट्स, और उसको आप एक बार जा करके देखो, ठीक है। सो क्लासेस ओवर नाउ, ठीक है। गौतम अविनाश, यस सर। सारे स्टेबल सिस्टम एनर्जी सिग्नल होते हैं क्या सर? सारे स्टेबल सिस्टम एनर्जी सिग्नल होते हैं? हाँ, अगर अगर इंपल्स रिस्पांस एनर्जी सिग्नल होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। और एनर्जी सिग्नल की दो डेफिनेशन आपको बताई, फाइनाइट ड्यूरेशन, फाइनाइट एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल, ठीक है। अगर रिस्पांस जो इंपल्स रिस्पांस क्या है, फाइनाइट ड्यूरेशन है उसकी और फाइनाइट एम्पलीट्यूड है, तो हमारा एनर्जी सिग्नल हमें मिलेगा। दूसरा एनर्जी सिग्नल हमें कब मिलेगा, अगर एक फाइनाइट वैल्यू से इंपल्स रिस्पांस स्टार्ट हो रहा है और ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, ओके। सो एक बार जब आप उसको पढ़ोगे गौतम तो ही आपको समझ में आएगा, है ना। एक बार उसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम होती है देन आई एम हेयर, है ना। हम उसको किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। यस सर, ओके। Thank you.